हे एवरीवन, आज फिर से हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। हम तो ऐसे तो हम हमेशा ही रेसिपी लेके आती रहती हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान्या किचन में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं वो है आज मसूर दाल की रेसिपी। और ये कम तेल, कम मसाला, कम इंग्रेडिएंट में बना करके हम दिखाएंगे आपको, और कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना था। एकदम दाल मखनी की तरह ये रेसिपी तैयार हुआ था। तो हम यहाँ इसे रात भर भिंगा दिए थे, अच्छे से धुल लिए हैं। धुलने के बाद अब हम इसे 200 डाल देंगे प्रेशर कुकर में। पानी इतना डालेंगे कि वो अच्छे से भींग जाए, थोड़ा सा पानी ऊपर तक रहे। नमक डाल करके इसे 4 से 5 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। 4-5 सीटी में अच्छे से बॉईल हो जाता है। यहाँ पर ले लिए हैं कुछ टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ती। तो इन सारी चीज़ों को जब तक सीटी लगेगा दाल में, तब तक इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे तैयार करके रख लेंगे। तो दोस्तों, रेसिपी हमारी कैसी लगती है, आप कहाँ से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि हमारे दोस्त कहाँ कहाँ से जुड़े हैं हमसे और कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं हमारी वीडियो को। तो इसलिए हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। मैं चैनल मेरा नया है तो एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई देती ही जाती हूँ। तो यहाँ सर प्याज को मैं छील ली हूँ, अदरक मेरा पहले से, सॉरी लहसुन पहले से छीला हुआ है। और बड़े बर्तन में पानी लेकर के हम इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के अच्छे से धुल लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम अपनी सारी चीज़ों को तैयार कर कर अब यहाँ साथ में रोटी जो बनाने वाले हैं हम उसकी भी तैयारी कर ले रहेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं थोड़ा सा बाजरे का आटा, और साथ में हम ऐड करेंगे बेसन का आटा, सॉरी बेसन चने का आटा जो होता है, बेसन का आटा नहीं कहते उसे, बेसन ही कहते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नॉर्मल कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं किए हैं। जैसे नॉर्मल गेहूँ के आटे की रोटी के लिए हम डो लगाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इसका भी डो लगा करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मेरा आटा गीला लगा है, रोटी बनाने में दिक्कत होगा, पर हम इसे रेस्ट होने देंगे। जब रोटी बनाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे, या फिर ज़्यादा सूखा आटा डस्ट करके तब ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा दाल जो है ना, देखिए खूब अच्छे से कुक हो चुका है, पानी पूरा सूख चुका है और खूब अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए मैं कलछुल से निकालने पे ये ना दब भी रहा है अच्छे से, तो हमें दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाएंगे गैस की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे हम गैस पर कढ़ाई पहले से रख दिए हैं और गैस ऑन करेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा गरम होगा ऑयल, वैसे ही हम डालेंगे इसमें आधा टुकड़ा तेज पत्ता, और थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, एक लाल मिर्ची ऐड करेंगे तड़के में।
थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा जब भी आप मसूर की दाल बनाते हैं, तो थोड़ा सा डाइजेशन में ये हैवी होता है तो इसमें हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम ऐड किए हैं हरी मिर्ची और प्याज जिसे हम बारीक कट करके रखे थे, तो इसे डाल करके हम अच्छे से इसे भून लेंगे गोल्डन होने को। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन हो चुका है, कलर खूब अच्छा दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो डाल करके पेस्ट बना के तैयार किए थे उसे ऐड कर देंगे, और इसे भी हम ऑयल रिलीज होने तक दोस्तों भून लेंगे। साथ ही हम चाहें तो मसाला भी ऐड कर देंगे। तो मसाला जो है ना हम यहीं पे ऐड करें जिसमें कि हल्दी सबसे पहले हमने ऐड किया है, साथ में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और उसके साथ हम ऐड कर लेंगे लाल कुटी हुई मिर्ची का पाउडर ऐड कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करके खूब अच्छे से हम भून लेंगे। साथ ही में मसाले हमारे, हमें पानी अलग से ऐड करना नहीं पड़ेगा जब मसाले ऐड करेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर गीला है तो ये अच्छे से मसाले भी हमारे साथ में भून जाएंगे। मसालों को ऐसे ही भुनना होता है अधिकतर, या फिर आप चाहें तो अलग से भी भून के डाल सकते हैं, या फिर प्याज के साथ, प्याज जैसे भुन जाता है ना वहाँ पर भी आप डाल के भून लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर आप टमाटर को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे टमाटर जो है, देखिए मसाले जो है हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर से हम इसे भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें अपना बॉयल किया हुआ मसूर का दाल। मसूर दाल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमें जितना पानी चाहिए तब हम अपना पानी जो है इसमें ऐड करेंगे। पहले ऐड कर देंगे तो कम या ज़्यादा हो जाएगा, जितना आपको चाहिए गाढ़ा पतला, जिस तरह से आप खाना पसंद करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी जो है दोस्तों ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे दाल की रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट कर ले रहे हैं यहीं पे, क्योंकि अभी उबलना बाकी है, नमक साथ ही में पड़ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो नमक यहाँ पर दोस्तों कम था, क्योंकि हमने दाल में पहले नमक कम डाली थी, ज़्यादा हो जाता तो फिर दिक्कत होती, तो इसलिए हम यहाँ पर नमक कम डाले थे। अब जो नमक का टेस्ट कम था उसे यहाँ पर हम डाल करके इसे चला लेंगे अच्छे से, और इसे बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो अच्छे से ये इसमें बॉयल आ चुका है, पक चुका है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम अपनी हरी धनिया की पत्ती, और ये बहुत यम्मी दाल बनके तैयार हुई थी दोस्तों। एक बार फिर से कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। और अब हमारी दाल यहाँ पर भी बन के रेडी होगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हम इसे सर्व करेंगे, और तब तक बना लेंगे हम अपना रोटी। तो रोटियाँ हम यहाँ पे बनाने के लिए आ गए हैं, और थोड़ा